अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज है संडे, हमारा संडे का दिन कैसा गुजरा है आज हम आपको दिखाएंगे। आज हम लोग कहीं नहीं गए हैं, आज हम घर ही पर रहेंगे और ना भी हमारा घर ही पर बनेगा और खाना भी हम घर ही पर ही खाएंगे। ये इरसाम है जो ड्राइंग बना रहे हैं, इरसाम ये कार्ड देख कर अपने जो है ड्राइंग कर रहे हैं स्कूल का। ठीक है, इस तो शाम यहाँ कर रहे हैं ड्राइंग, बना रहे हैं अपना ड्राइंग। तो ये अपना बनाते रहेंगे ड्राइंग और मैंने बनाना है आज नाश्ता। आज जो है घर पर नाश्ता बनेगा, तो चलें चलते हैं नाश्ते की तरफ। तो जी यहाँ हम आ गए हैं अपने किचन पे नाश्ता बनाने के लिए। तो आज हम घर पे बना रहे हैं, ये मैंने पेड़े बना लिए हैं और अब मैंने बनाना है इसमें पराठे। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी पूरी वॉच करनी है। और यहाँ हमारा जो है चाय है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों कैमरे में जो इतनी रोशनी आ रही है समझ में नहीं आ रहा, ब्राइटनेस इतनी क्यों बढ़ी हुई है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ अभी मैं अपने भतीजे से भांजे से दिखवाऊँगी कि क्या प्रॉब्लम है, तो जब तक आप लोग एडजस्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी पूरी वॉच करनी है। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट्स हमें करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो यहाँ हम बनाएंगे अपना पराठा, तो आपको दिखेगा यहाँ पर पराठा कुछ ही देर में। तो ये आ गया हमारा पराठा, प्यारा प्यारा सा पराठा है और लाल लाल सा पराठा है। तो आपने देखना है कैसे बना रही हूँ पराठे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज पराठे घर पे बन रहे हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि आज जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी, तो मुझे बाहर का पराठा नहीं खाना था बहुत ज़्यादा। आपको पता है बाहर के पराठे में ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपा सा लगता है बहुत, खाने के बाद ऑयली ऑयली सा मतली मतली सा लगता है। तो आज मेरा दिल नहीं था, कभी कभार अच्छा लगता है नाश्ता करते हैं, तो आज मैंने कहा नहीं छोड़ दे, मैंने आज घर पे ही नाश्ता बनाना है, सब चीज़ें मैंने घर पे बनानी है आज, आज मैंने बाहर का खाना नहीं खाना। तो इसीलिए जो है आज हम घर पर पराठा बना रहे हैं। तो आज हम कहीं जाएंगे भी नहीं इसी वजह से, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ है कलेजी का सालन है ये, और मतलब पहले का सालन है, तो ये हमने गर्म कर लिया। ये पराठा है हमारा, यहाँ पर हमने रख दिया है। ये है चाय, शाम गर्म गर्म चाय उठा रहे थे लग गई है। तो यहाँ हमने अपना नाश्ता कर लेना है और ये है जी मेरी चाय जो मैंने बड़े कप में लिया है। तो यहाँ मैं जो है रोटी को मतलब एंड में चूर के इसमें डुबो के डीप कर करके बिल्कुल खाती हूँ, ये इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और ये है मेरे पराठे, क्रिस्पी से पराठे जो मैं बिल्कुल कड़क पराठा खाती हूँ। तो इसको जो है मैंने थोड़ा बहुत जो है ऐसे तोड़ तोड़ के निवाला बना के खा लेना, और बाकी इसको बिल्कुल चूर कर देना है और सारे को मैंने मिला देना है चाय के अंदर, और इस तरह बिल्कुल खाना है। और अगर मैं इस तरह से ना खाऊं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैंने नाश्ता किया है या मेरे दिन की शुरुआत हुई है। तो मुझे आदत है इसी तरह खाने की। तो आज संडे है तो इन्होंने कहा चलो थोड़ा सा घर का काम वगैरह जो है बाकी है कर लेते, क्योंकि हर संडे हम लोग कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं तो घर का काम रह जाता है और लेट भी उठते हैं, तो इस वजह से घर का काम नहीं कर पाते। तो काफ़ी टाइम से ये पंखा ख़राब था, तो इन्होंने कहा चलो हम आज इसे देख लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ आज जो है ये पंखा निकाले हैं और ये ठीक करने के लिए जो है इसे खोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं खुल रहा था, बहुत ही मतलब टाइट था, बहुत मुश्किल से इन्होंने जो है इसका खोल के जो इसे ठीक वगैरह किया है, काफ़ी टाइम लगा दिया था इन्होंने इसे ठीक करने में। तो यहाँ ये ठीक कर रहे हैं और ये है पीछे रियान, इनका भतीजा, ये हमारा भतीजा है, और नीचे जो है शाम बैठे हैं अपना कारनामा कर रहे हैं। ये देखें लिख के आपको, ये इरसाम बैठे हुए यहाँ अपना कारनामा कर रहे हैं। कारनामा करने के बगैर इनके अलावा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने शरारत करना है और शरारत किए बगैर ये रह नहीं सकते। तो यहाँ ये अपना पंखा बना रहे हैं और बनाने के बाद जो है ये जाएंगे बाहर, क्योंकि हम नहीं जाएंगे, हमारी तबीयत ख़राब है। तो आज जो है मैंने बनाना है यहाँ पे चिकन, मैंने बना चढ़ा दिया था, चिकन चरसी कढ़ाई है मैं बना रही हूँ। तो यहाँ हमने जो है चढ़ा दिया था, क्योंकि आपको जैसे कि बताया था मैंने आज खाना भी घर पर बनाना है, तो मैं चिकन चरसी कढ़ाई जो मैंने चढ़ा दिया था खाने के लिए। हम लोग लेट नाश्ता किए थे तो ये रात के ही समझ लें। तो यहाँ हमारे हस्बैंड जी जो है घूमने चले गए हैं, संडे मनाने चले गए हैं, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे छोड़ के चले गए अपने दोस्तों के साथ। तो चलें होता है कभी कभी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार से कमेंट्स करना हमें नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।